हेलो दोस्तों, मैं हूँ सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। तो दोस्तों, एक कॉल वीडियो है मेरे और हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल है उनके बीच में। तो यहाँ पर निर्मल भाई ने आपको बताया कि आपका जो फोन है वो कैसे स्लो हो जाता है और आप उसको थोड़ा फास्ट बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो निर्मल भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, तो आप उनकी चैनल की जो है वो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको उनकी ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर उनकी चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोज भी देखें। वो ऐसी अलग अलग तरह की टेक की वीडियो बनाते हैं, तो चलिए उनकी वीडियो अभी देखते हैं। और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल फ्रॉम हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन बाय सार्थक में। सो दोस्तों, मेरा भी एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है हाईटेक निर्मल के नाम से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फोन जो है स्लो क्यों होता है, क्या है वो रीजन जिसकी वजह से आपका फोन स्लो होता है, क्यों आपका फोन मतलब आप यूज कर रहे हैं आपको फील नहीं होगा बट सडनली आप रियलाइज करेंगे कि आपका फोन स्लो चलने लगा है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आपके फोन में जो नॉर्मल एप्लीकेशन है, आप जिन एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन ही होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये कुछ एप्लीकेशन है जो हर कोई जो है रेगुलर बेसिस पे यूज करता है, मतलब हर किसी के फोन में होते ही है और आप मोस्ट यूज एप्लीकेशन भी यही है। जहां तक अगर आप अपने फोन का डेटा चेक करेंगे तो आपका डेटा कंजम्पशन जो है मोस्टली फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा ही हुआ होगा। सो ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, देखो अगर आप कभी भी आपको अपना डेटा ऑन कीजिए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन किस चीज की आती है, जनरली आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्हीं की नोटिफिकेशन आएगी। तो इसमें होता क्या है कि ये सारे एप्लीकेशन आप भले इनको फाइल से रिसेंट एप्लीकेशन से हटा दो बट ये एप्लीकेशन एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो आपका जो जब भी उनको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है उनको जो है पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग करना पड़ता है, आपके फोन में प्रोसेसर को यूज में लाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है आपके फोन के प्रोसेसर पे काफी लोड पड़ता है और हर वक्त आपका फोन का प्रोसेसर काम करता ही रहता है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है आपके सारे डेटा फीड, न्यूज फीड सब कुछ प्रोसेस करना होता है, व्हाट्सएप को आपके सारे मैसेजेस प्रोसेस करने होते हैं हर वक्त, और हर वक्त चेक करते रहता है कि कोई नया मैसेज आया, कुछ नया आया, कुछ भी आया उसको चेक करना होता है हर वक्त। सेम केस फेसबुक भी यही करता है, आपका सारा न्यूज फीड एनालिसिस करता रहता है, एनालाइज करता रहता है आपके दोस्तों ने क्या शेयर किया, क्या किसने किया, किसने आपको कहां पर टैग किया, आपके किस फोटो में किसने लाइक किया, किसने कहां पे कमेंट किया, इन सारी चीजों का प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में चलता ही रहता है भले आपको पता हो या ना हो। इंस्टाग्राम भी सेम केस करता है, प्रोसेसिंग बैकग्राउंड में चलते ही रहते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड में हर वक्त चल रहे होते हैं जिनके बारे में आपको पता हो या ना हो, भले ही आप इनको फोन से हटा दें या ना हटाएं जो भी करें बट इनका प्रोसेसिंग चलता ही रहता है। तो इसकी वजह से होता है कि आपके प्रोसेसर में हर वक्त लोड पड़ा ही रहता है, आपको पता नहीं चलता बट आपका प्रोसेसर, फोन का प्रोसेसर हर वक्त काम कर ही रहा है जब भी उसको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। तो इसकी वजह से आपने रियलाइज किया होगा कि अगर आप इंटरनेट ऑफ कर दे तो आपका फोन काफी फास्ट चलता है लेकिन इंटरनेट ऑन करते ही स्लो हो जाता है, अगर आप इंटरनेट ऑन रखे तो स्लो चलने लगता है कंपैरिजन में, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करेंगे, अगर नहीं किया तो नोटिस कीजिए, आपको ध्यान में आएगी ये चीजें। तो इसे किस तरह से हटाना है, आपके फोन को फास्ट किस तरह से बनाना है, सो एंड्रॉइड में आप बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को जो है ऑफ नहीं कर सकते, अगर आपके फोन में है सेटिंग में एप्लीकेशंस में बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को ऑफ करने का तरीका तो ऑफ कर दीजिए, लेकिन जहां तक मुझे पता है एंड्रॉइड के फोन्स में नहीं है ये चीज, आपको आईओएस में देखने को मिल जाएगी। आईओएस में आप सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग्स में और वहां पर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को ऑफ कर सकते हैं, सो अगर आप आईओएस यूज कर रहे हैं तो ये काम आप कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड में नहीं है। अगर फिर भी आपके फोन में अवेलेबल है चेक कर लीजिए एक बार सेटिंग्स में, एप्लीकेशंस में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड एप्लीकेशंस का ऑप्शन अगर देखने को मिलता है तो उसे ऑफ कर सकते हैं अगर आप अपने फोन को फास्ट रखना चाहते हैं। और आजकल के फोन में अगर आपके फोन में 3 GB से ऊपर का रैम है तो आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही चल रहा होगा। और आप दूसरा जो तरीका है वो आप कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं, कैश मेमोरी क्लियर करने का जरिया है आप सेटिंग्स में एप्लीकेशन में जाके वहां पर जो है कैश मेमोरी या स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लियर डेटा या क्लियर कैश ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हर फोन में अलग अलग रहता है, सो ऐसा कुछ ऑप्शन देख के आप उसे क्लियर कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका फोन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बट स्लो भी होगा, दोनों के मतलब प्रोज एंड कॉन्स है, कुछ कह नहीं सकते। सो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपके स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है, और फोन स्लो होने का एक और रीजन जो है वो आपका स्टोरेज, अगर आपके फोन में स्टोरेज कम है मतलब ऑलमोस्ट आपकी स्टोरेज भरी हुई है तभी भी आपका फोन स्लो चलेगा, ये चीज मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है सो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपका फोन स्लो चलता है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हाँ मेरा चैनल भी जरूर देखिएगा, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट सब्सक्राइब, यू नो व्हाट हैपेंस, नथिंग, सो सब्सक्राइब कर लो और मेरा भी चैनल देख लो यार, दैट्स ऑल, बाय बाय, पीस आउट।